So we will just start this session. To start off, we are recording the session so that we can post it on our social media and YouTube channel later on. Thank you for joining us today. We're here to celebrate bees and spread awareness about their declining population. World Bee Day is a UN-designated annual event celebrated on May 20th to raise awareness on the importance of bees for the ecosystem, food production, and biodiversity. The day helps us recognize the critical role of bees in sustaining life on Earth and to highlight the urgent need to protect them and their habitats. Bees are responsible for pollinating about one-third of the world's crops, including fruits, vegetables, nuts, and seeds, making them essential for the global food system. However, bees and other pollinators face many threats, including habitat loss, pesticides, climate change, and disease. World Bee Day aims to promote actions to protect bees and other pollinators, raise awareness of their vital role, and encourage cooperation among stakeholders to safeguard their future. To spread awareness on this topic, we have put together this webinar and have one of our field experts, Mr. Manilal, speak about it. Ms. Manila Bhai, क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं प्लीज? यस मैम। नमस्ते, मेरा नाम मणिलाल वाघेरा। मैं पिछले 2012 से यूटीएमटी में एज फील्ड मैनेजर का भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्ते मणिलाल भाई। थैंक यू मानसी। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं सेशन। तो सबसे पहले मैं आपको पूछती हूँ कि आपका मधुमक्खी पालन में रुचि कैसे आया? आपने बताया कि आपने 2009 से शुरुआत की है, तो आपको क्या प्रेरित किया? ओके, नमस्कार सबको। सबसे पहले मैं बायफ में एम्प्लॉय था, तब यूटीएमटी और बायफ दोनों पार्टनरशिप में मधुमक्खी पालन का प्रोग्राम चला रहे थे। तो बायफ के जो फील्ड एरिया में एक बार मीटिंग हुआ, तो मैं भी ये ट्रेनिंग में पार्टिसिपेंट हुआ था। पार्टिसिपेंट हुआ और जब ट्रेनिंग का सेशन शुरू हुआ और जब सेशन पूरा हुआ, तब तक मुझे मतलब हनी बी कीपिंग का मुझे इतना इंटरेस्ट आया कि आने वाले दिनों में मैं भी हनी बी कीपिंग करूंगा। और हनी बी कीपिंग मतलब मेरे अकेले की बात नहीं है कि जैसे मैंने ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो मैंने सुना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं है, पर मैं अच्छे से सीखूंगा और लोगों को इसमें मधुमक्खी पालन में जॉइंट करते जाऊं, तो आने वाले दिनों में हम अच्छे से मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। और तभी से मुझे ऐसा लगा कि मुझे मधुमक्खी पालन करना ही करना है, मतलब तब से मेरी रुचि उसमें मधुमक्खी के बारे में जानने की और आगे की जो मधुमक्खी पालन करने का मुझे रुचि आ गया था। तो आपको क्या फायदा देखते हुए आपका इतना इंटरेस्ट आया मधुमक्खी पालन में? ऐसा क्या फायदा आपको दिखा मधुमक्खी पालन का? सबसे पहले कि मधुमक्खी जो है वो मैं बचपन में मतलब जब 5-6 साल का था, तो हमारे जो दादा परदादा वो लोग हनी हमको मतलब खिलाते थे, और मैं मतलब मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था कि तब बहुत सारा हमारे इलाके में मधुमक्खी के छत्ते मिल रहे थे, पर वही 10-12 या 15 साल के बीच में जब मैं ट्रेनिंग लिया और जब ट्रेनिंग सेशन के दौरान लोगों को पूछा जाता था कि मधुमक्खी की जनसंख्या आपके इलाके में कितनी है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अभी मधुमक्खी के छत्ते बहुत कम मिल रहे हैं,
और मतलब कहीं कहीं लोग तो बोल रहे थे कि मिल ही नहीं रहे हैं, तो मुझे ऐसा कि भाई ये 10-12 साल में इतना गैप आया है, तो मधुमक्खी ऐसे ही कम होती जाएगी तो आने वाले दिनों में पूरा खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहले मधुमक्खी को बचाने का कि इतना जो ट्रेनिंग के दौरान मैंने सुना कि मधुमक्खी हमारे जीवन चरित्र में इतना उपयोगी, तो हम उसको सबसे पहले उसको बचाएंगे। तो सबसे पहला मुझे मतलब मधुमक्खी को बचाने का काम वो करना पड़ेगा, और वो मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे अच्छे से सीख के लोगों को सिखाना पड़ेगा। दूसरा, मधुमक्खी की जो परागीभवन की जो प्रक्रिया, जो पोलिनेशन करती है, वो तो मतलब बहुत कम लोगों को आइडिया था कि मधुमक्खी नेक्टर और पोलन लेती है, तो उसके भीतर जो हमारी जितनी भी फसलें हैं, जितनी भी जंगल में रुक्ष पौधे हैं, उसमें वो पोलिनेशन होने के वजह से ही उसमें बीज आएंगे। तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मधुमक्खी जो जंगल में से नष्ट हो जाएगी, ये पृथ्वी पर से नष्ट हो जाएगी, तो आने वाले दिनों में दिक्कत होने वाली है, तभी कि मधुमक्खी को हमको बचाना ही पड़ेगा। और बचाने के बाद ये तो एक दो नंबर का पार्ट हो गया, पर इसमें से बहुत सारा इनकम भी है, जैसे कि हम मधुमक्खी पालन करेंगे तो पूरे साल भर, और इसमें से पोलिनेशन सर्विस से हमारे खेती बाड़ी में अच्छी से बढ़ोतरी होगी। तीसरा, उसमें से वैक्स मिलता है। ऐसे तो काफी सारे फायदे हैं कि एक हम जो कुदरत की देन है मधुमक्खी, उसको हम बचाव का काम करेंगे, और दूसरा इसमें से हमको प्रोडक्शन भी मिलेगा। ठीक है, आपने बताया मधुमक्खी पॉलिनेशन करती है। पॉलिनेशन का मतलब क्या है और कौन कौन से जीव पॉलिनेशन करती है, पॉलिनेट करती है? पोलिनेशन जो भी एजुकेटेड लोग हैं उसको तो पोलिनेशन पता है, पर जो अनएजुकेटेड लोग हैं और ज्यादातर ट्राइबल एरिया में, पोलिनेशन और जो परागीभवन की प्रक्रिया उनको पता ही नहीं है। तो पोलिनेशन की हर एक, जैसे हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, हॉर्टिकल्चर की और फॉरेस्ट की, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उसमें हर एक के ऊपर एक दिन फूल आता है, हर एक के ऊपर फूल आता है। और जब फूल आता है तब ऐसे दो टाइप से पोलिनेशन होता है, जैसे कि एक सेल्फ पोलिनेशन है, एक क्रॉस पोलिनेशन है। इसमें ज्यादातर जो क्रॉस पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन पे हवा बारिश चलेगी, ऐसे कोई पशु पंखियां उड़ेंगे और हवा जाएगी, तभी सेल्फ पोलिनेशन तो पोलिनेशन होगा। पर जो क्रॉस पोलिनेशन है, इसमें सबसे पहले जो 5 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, कि जैसे हमारे इलाके में 4 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, वो बहुत बढ़िया, जैसे सेरेना है, डोरसेटा है, फ्लोरिया है और ट्राइगोना, ये उनका सीजन मतलब काम करने का पीरियड भी थोड़ा अलग अलग है। जैसे अर्ली मॉर्निंग में सेरेना काम करती है, 10-11 बजे के बाद फ्लोरिया और ट्राइगोना काम करता है, ऐसे ही ट्राइगोना डोरसेटा का भी है। जब हर एक फूल में हर एक पेड़ में जो फूल आता है, तो इसमें हर एक में नेक्टर और पोलन दोनों मिलते हैं, कि उसको मतलब सेल्फ पोलिनेशन में हवा से हो जाएगा, पर क्रॉस पोलिनेशन में जो मधुमक्खियां दोनों लेती है, नेक्टर भी लेती है और पोलन भी लेती है, तो उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि उसको टाइम पीरियड में उसका पोलिनेशन होना चाहिए। तो हमारी मधुमक्खियां एक बॉक्स में कम से कम 30-35 हजार मधुमक्खियां रहती है, वो पूरी जो काम करने के लिए जाती है, तो कहीं ना कहीं उसका मतलब फूल पे टचिंग हो जाता है और उसका पोलिनेशन हो जाता है। तो पोलिनेशन मतलब टाइम टू टाइम उसका पोलिनेशन हो जाना चाहिए। दूसरा कि
हम शायद जो हवा पानी और ये जो दूसरा जीव जंतु जो है वो काफी बार उनका पेट भर जाता है, वो मतलब उनके घर में इकट्ठा नहीं करते हैं पोलन और शहद, वो पूरा टेम्परवारी खा लेते हैं एक दिन का, फिर आराम करते हैं। तो दूसरे जो बीज है जैसे तितैया है, वो कारपेंटर बीज है, ऐसे काफी सारे बीज है, लगभग 2,500 से लेके 3,000 प्रकार के दूसरे बीज है, पर वो अपने सत्ते में शहद या पोलन इकट्ठा नहीं करते हैं। ये 4 या 5 प्रकार की मधुमक्खियां हैं, वो ही अपने सत्ते में पोलन और शहद इकट्ठा करती है और ज्यादा से ज्यादा जाके फूलों पे टचिंग करके वहां से कलेक्ट करता है और नेक्टर और पोलन। तो टाइम टू टाइम उस पे पोलिनेशन सर्विस मिल जाता है, और टाइम टू टाइम पोलिनेशन सर्विस मिलेगा तो कम से कम 30 से 40% हर एक क्रॉप में प्रोडक्शन का मतलब प्रोडक्शन ज्यादा मिलता है, 35 से 40% कम से कम। बाकी कोई ऐसे क्रॉप है कि उसमें तो मतलब बहुत ज्यादा इसमें प्रोडक्शन मिल रहा है, 80-100% भी मिल रहा है। मतलब सबसे ज्यादा पॉलिनेशन में योगदान हनी बीज का है, मधुमक्खी का है। से ज्यादा पोलिनेशन में जो हमारे लोकल बीज है इंडियन बीज, वो सबसे ज्यादा पोलिनेशन पे फोकस करती है। अच्छा, और ये मधुमक्खियां किन किन पौधों को पॉलिनेट करती है? सिर्फ फसलों को करती है और किन किन पौधों को करती है? मधुमक्खी जो है ज्यादातर उसको जैसे पोलन और नेक्टर की मैंने बात की, जो हम जो अपने सत्ते में शहद और नेक्टर इकट्ठा करती है, वो ज्यादातर नेक्टर वाला जो पौधा रहेगा और पोलन वाला इस पे ज्यादा फोकस करती है। पर काफी बार जो ये नेक्टर और पोलन वाले पौधे कम मिलते हैं, तो आने वाले जंगल में कोई भी पौधा हो कि इसमें थोड़ा बहुत नेक्टर और पोलन मिल रहा है, तो सभी प्रकार के फसलों पे काम करेगी, हॉर्टिकल्चर पे और फॉरेस्ट पे, ये सभी प्रकार के काम करे। पर ज्यादातर येलो प्रकार के जो फूल आते हैं इस पे बहुत काम करते हैं। जैसे हमारे इलाके की बात करो तो एक सनहेम है, जो विंटर क्रॉप है उसमें बहुत मतलब 80-90% उसमें प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और बहुत मक्खी का ग्रोथ हो रहा है काम करने की वजह से। दूसरा एक नाइजर है हमारे यहाँ, इसमें भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तीसरा है मस्टर्ड, मतलब ये जो येलो प्रकार के जो फूल हैं इसमें बहुत काम करे। बाकी अराउंड हर एक प्रकार का फूल आता है, इसमें मधुमक्खी काम करती है। अच्छा मदनलाल भाई, आपने हमको पहले बताया कि आप जब गांव में जाते हैं तो आप जब उनको पूछते हैं तो उनके गांव में मधुमक्खी की उतनी संख्या नहीं है, ये आपने देखा, और बहुत जगह पे अभी वो पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इनफैक्ट एक 2009 का रिसर्च हमको ये भी बताता है कि हमारे भारत में 25 साल में पिछले 40% मधुमक्खी की संख्या कम हो गई है। तो ये हमारे लिए इतना चिंताजनक क्यों है? जैसे अभी बात करें कि कम से कम 20-25 सालों में बहुत मधुमक्खी की जनसंख्या कम हो रही है, इसमें ऐसे तो 2 प्रकार के रीजन आए हैं मेरे हिसाब से। एक सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, और दूसरा जो लोकल जो ट्राइबल लेवल पे लोग हैं जो जंगल के अगल बगल में रहते हैं, वो एक तो हनी हंटिंग करते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि मधुमक्खी से हमको आने वाले दिनों में या अभी फिलहाल क्या हो रहा है, और मधुमक्खी हमारे लिए कितने उपयोगी है वो उनको पता नहीं है। पर जैसे अभी जहां जहां यूपीएमसी सोसाइटी ने जो मधुमक्खी पालन प्रोग्राम चलाया है, मुझे बरोबर याद है कि जब भी हम ट्रेनिंग के दौरान जाते हैं उनको पूछते हैं कि आपके इलाके में कितनी मात्रा में मधुमक्खियां हैं, हम चारों मधुमक्खी की बात करते हैं इंडिजिनियस बीज की, तो काफी लोग बताते हैं कि भैया अभी तो बहुत मधुमक्खियां कम हो गई है। तो उसका हम रिजल्ट पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि जो
पोलन स्पॉटर है जो ज्यादा देखने वाले हैं, वो एक तो निकाल के खा जाते हैं सत्ते सत्ते के साथ, और मधुमक्खी काटती है तो उसको जलाते हैं, तो इसके वजह से भी कम हो रहा है। अभी ज्यादातर लोग पेस्टिसाइड भी यूज कर रहे हैं तो उसके वजह से भी कम हो रहा है। मतलब ये जो मधुमक्खी की जो उसको पूरी समझ देंगे कि भाई मधुमक्खी हमारे लिए इतनी फायदेमंद है, तो लोग तुरंत समझ जाते हैं। जो ट्रेनिंग के दौरान मतलब गांव सिलेक्शन के दौरान ऐसे बोलते हैं, जब हम ट्रेनिंग करते हैं बॉक्स फिलिंग करवाते हैं, एक दो साल में ही वही लोग बोलते हैं कि हमारे गांव में कम बॉक्स थी, कम कॉलोनी मिल रही थी, अभी वही बॉक्स में जैसे हमने 20-25 बॉक्स भर दिए, तो उसमें से कंटिन्यू हर साल में कम से कम 3 से 4 बॉक्स एक कॉलोनी से बढ़ते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करते बढ़ गए हैं कॉलोनी। तो वही लोग जैसे हमारे लास्ट टाइम 2014-15 की बात करो तो जिस गांव में लोग 80-90 ट्रेनिंग के दौरान आते थे, वो लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ कॉलोनी नहीं है, वही लोग अभी बी कीपिंग शुरू किया और अभी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत कॉलोनी अभी मिल रहे हैं। मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ गई, हमारे पास बॉक्स में तो है, बाकी बॉक्स नहीं रहता है तो बाकी वो स्वाम होके जंगल में चला जाता है। तो कहीं ना कहीं जंगल में भी मतलब उसकी जनसंख्या बढ़ गई है, उसके सत्ते उसके कुटुंब बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये बदलाव देखा है कि जहां पे पहले नहीं मिल अभी बहुत ज्यादा मिल रही है। और अगर ये कॉलोनीज की संख्या कम हो रही है तो ये मानव जीवन को कैसे प्रभावित कर रही है? जैसे अभी बात कर रहे हैं कि मधुमक्खी जो पोलिनेशन से इतना आय में बढ़ोतरी हो रहा है, जैसे फसलों में 30 से 35-40% बढ़ोतरी हो रहा है, और मोस्ट ऑफली ये जितने भी जनसंख्या मतलब जो पोलिनेटर बीज है वो 4 प्रकार की, जो मधुमक्खी के अलावा बाकी मतलब ऐसे 20% पोलिनेशन सर्विस कर रहा है, बाकी 80% मधुमक्खी, जो 4 प्रकार की जो मधुमक्खी है वही 80% पोलिनेशन कर रहे हैं, और पोलिनेशन से उसकी जो फसलें बढ़ रही है, जो पोलिनेशन बीज ही नहीं रहेगी तो पोलिनेशन सर्विस नहीं होगा, पोलिनेशन सर्विस नहीं होगा तो जैसे हमारे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर और जो फॉरेस्ट में जो हर पेड़ पौधे पे जो फूल आता है, इसमें फूल आएगा पर पोलिनेशन नहीं होगा, 20% ही पोलिनेशन होगा, तो उसके बीज कम आएंगे, बीज कम आएंगे तो जंगल में भी उतना मतलब पेड़ पौधे जर्मिनेशन नहीं होंगे और मानव जीवन को खाने के लिए असत हो जाएगी, जैसे उत्पादन ही कम हो जाएंगे। अभी दिन प्रतिदिन जनसंख्या, मनुष्य जीवन की जनसंख्या बढ़ रही है और उतना उसको खाना नहीं मिलेगा, तो आने वाले दिनों में जो मधुमक्खी हमारे इलाके में हमारे देश में कम हो जाएगी ना, तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत होने वाली है। ये हर एक को पता है, जैसे साइंटिस्ट लोग पूरा रिसर्च करके बोलते हैं कि मधुमक्खी पोलिनेशन से इतना बढ़ोतरी हो रहा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि मधुमक्खी को बचाना ही बचाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो आपके आपके एरिया के आपको जिनको मधमाशी पालन करना है उनको आप क्या बी फ्रेंडली प्रैक्टिसेस का सुझाव देंगे? जैसे हमारे एरिया में और मेरे जितने भी कॉन्टेक्ट है जो भी मधुमक्खी पालन के बारे में बात करते हैं, तो मैं ज्यादातर उसको बोलता हूँ कि आप शायद बॉक्स नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं है, पर आपके खेती बाड़ी में आपके जंगल में जहां भी मधुमक्खी का सता मिले, कोई भी मधुमक्खी का, तो सबसे पहले उसका हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। मतलब जो अपनी पारंपरिक पद्धति से निकाल रहे हैं उसको हमको रोकना पड़ेगा, और जहां हमारा जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है उसको हमको कम करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट ने
बहुत सारा मतलब ये प्राकृतिक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए अलग अलग, जैसे काव यूरिन में से काफी सारे पेस्टिसाइड बना रहे हैं जो मधुमक्खी को नुकसानकारक नहीं है। तो ऐसे यूज करके मधुमक्खी को बचाना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि मधुमक्खी हमको बचाना पड़ेगा, ताकि आने वाले दिनों में जो दिक्कतें होने वाली है, जैसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है, उसमें भी ये भी मधुमक्खी का भी योगदान है कि मधुमक्खी बचेगा तो अच्छे से पोलिनेशन होगा, पोलिनेशन होगा तो ज्यादा बीज आएंगे, और बीज अलग अलग जगह पे उगेंगे तो उसका मतलब क्लाइमेट के ऊपर भी उसका फोकस, मतलब क्लाइमेट चेंजेस जो हो रहा है उसमें भी ये हो जाएगा, मतलब अच्छा हो जाएगा। जी मंगलाल भाई, आपके एरिया के जो किसान है, आप 2009 से कर रहे हैं बी कीपिंग, तो आपने उनके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव देखा है क्या? पहले वो बीज के साथ कैसे काम करते थे, अब कैसे काम कर रहे हैं? हाँ, इसमें अभी मतलब मुझे बहुत सुकून मिल रहा है दूसरे लोगों की बात सुन के, कि आज से लगभग 10 साल पूर्व के जो लोग कर रहे थे, कि जो नुकसान पहुंचा रहे थे, उन्हीं लोगों के साथ हम बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि मधुमक्खी का जो आपने प्रशिक्षण दिया यूटीएमटी ने, मधुमक्खी के बारे में जानकारी दिया, उससे उसको बहुत फायदा हुआ है। और ये लोग जो अपने हनी हंटिंग जो करते थे, उन्होंने तो खुद बंद कर दिया, पर उनका जो गांव के अगल बगल के लोगों को भी उन्होंने बताया कि मधुमक्खी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, आप भी उसको मतलब कहीं ना कहीं से उसको मदद कर सकते हैं बचाने का, मतलब उसका जो जनसंख्या बढ़ोतरी करने में आप कहीं ना कहीं सहयोग कर सकते हैं। तो काफी सारे लोग अपने परिवार में बात करते हैं, पूरे गांव में वो बताते हैं कि मधुमक्खी पालन, कि मधुमक्खी को बचाव करना एक हमारी जवाबदारी है। और आपके इलाके में आपने जब से बी कीपिंग शुरू किया है या लोगों ने शुरू किया है, कौन से फसल या फल पे सबसे ज्यादा आपने प्रभाव देखा है बी कीपिंग शुरू करने के बाद? बी कीपिंग शुरू करने के बाद, जैसे विंटर, समर और मॉनसून में जो क्रॉप कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर ऑयल सीड्स, जैसे हमारे यहाँ नाइजर है, पल्सिस में जाएंगे तूर, ब्लैक ग्राम, उड़ीद और चना, इसमें बहुत मधुमक्खियाँ का मतलब योगदान रहा है पोलिनेशन सर्विस के बारे में। दूसरा जो हॉर्टिकल्चर के जो है हमारे इलाके में, पूरे मतलब लगभग 90% लोगों के पास आम और केसु की बाड़ी है। काफी लोग बोलते थे कि मैंगो में हमारा सेरेना नहीं काम कर रहा है, मैंने बहुत बार ऐसे वीडियो भी बनाया हूँ कि जब मैंगो का फ्लावरिंग आया तो इतना मधुमक्खी काम कर रहा है, और मधुमक्खी काम करने से मैंगो में मतलब इतना फल आया है ना, कि वो भी अभी भी हमारे पास फोटो है कि मधुमक्खी जब काम करती थी तभी का फोटो, अब जब उसमें पोलिनेशन अच्छे से होगा और मैंगो के फल लगे तो वो भी बहुत हो, तो मैंगो और केसू में भी बहुत बढ़िया हो रहा है। जैसे तिल जो ऑयल सीड्स है उसमें भी बहुत मधुमक्खियां काम कर रहे हैं। दूसरा मस्टर्ड, काफी लोग मस्टर्ड नहीं कर रहे थे, हमने यूटीएमटी के थ्रू उसका बीज दिलवाया था, सन हेम्प का भी बीज दिलवाया था जो विंटर क्रॉप है, वो अभी लोग मतलब एक बार सीड्स दिया अभी उसको बार बार यूज कर रहे हैं, मतलब उसको सीड्स के लिए अलग से रख देते हैं और जब उसका मौसम आ जाता है डाल देता है, और उसमें बहुत ज्यादा पोलिनेशन मधुमक्खी की वजह से हो रहा है। थैंक यू मनीलाल भाई, आपने आज बहुत अच्छी माहिती दी और आपने बी कॉन्जर्वेशन को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि जैसे आपने बहुत पहले बताया कि मेरे अकेले से नहीं होगा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए बीज कॉन्जर्वेशन की। तो अगर मैं आपको इस लाइन्स में और आगे पूछूं कि क्योंकि ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
सुझाव रहेंगे हाँ, बाकी सबको क्या करना चाहिए भी इसको बचाने के लिए? सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि ये एक दो या दो लोगों की बस की बात नहीं है। मधुमक्खी पूरे इलाके में, जैसे हम भारत देश की बात करें कि अभी हम 3 स्टेट में काम कर रहे हैं अंडर द मेंबर्सली सोसाइटी, तो कम से कम हम 3 स्टेट में 10-20% इलाके में ही काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारा इलाका बाकी है कि जहाँ मधुमक्खी को ज्यादातर एजुकेटेड लोग जो है थोड़े बहुत उसको पता है, पर बहुत सारे लोगों को मधुमक्खी के बारे में पता नहीं है। तो हम शायद बॉक्स नहीं दे पा रहे हैं, उसको ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, पर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी को बचाओ, ये हमको कैसे वहां तक, मतलब मधुमक्खी को हम कैसी तरह बचा सकते हैं, वो हम जैसे सोशल मीडिया के ऊपर जो हर कोई लोग ऐसा सोचेगा कि मेरा भी एक जिम्मेदारी है कि मधुमक्खी को बचाना है ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी उसको वो सुरक्षित रहे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हमारा कांटेक्ट है और जैसे गवर्नमेंट के प्रोग्राम होते हैं तो वहां भी हमको जाके उसका मतलब थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहिए कि आप मधुमक्खी पालो, पालोगे तो एक नंबर बात है, पर नहीं भी पालोगे तो आपके अगल बगल में जो जहां भी मधुमक्खी दिख रहा है उसको कोई नुकसान करता है, उसको समझ नहीं है, तो उसको आपको समझाना है कि मधुमक्खी हमारे जीवन में कितने फायदेमंद है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके ऊपर मतलब नजरिया डाल के उसके ऊपर काम करेगा तो आने वाले दिन में हर एक के मन में मधुमक्खी एक हमारे लिए बहुत एक मीठा मधुर हनी देता है, वो तो एक एक नंबर बात है, पर वो हमको दिखता नहीं है, पोलिनेशन करता है हमारे खेती बाड़ी में, जंगल में, हॉर्टिकल्चर में, तो वो बहुत अच्छा होगा। और जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है उसके उसका भी नियंत्रित होगा धीरे धीरे करके। तो ये एक दो की बस की बात नहीं है, पर पूरे लोग ऐसे मतलब एक दूसरे को देख के करेंगे तो आने वाले दिन में अच्छा बीकीपिंग का मतलब जनसंख्या बढ़ सकता है और काफी सारे लोग मधुमक्खी पालन अपने कोठे सुर से भी कर सकते हैं। ठीक है मंजिला भाई, हमको एक सवाल आया है, वो पूछ रहे हैं कि बी फ्रेंडली फ्लोरा कौन से है जो हम अपने घर पे लगा सकते हैं, बालकनी पे या विंडो पे? जैसे हम शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार की बात करें तो ऑलमोस्ट जैसे ग्रामीण विस्तार में तो खेती बाड़ी होती है तो कहीं ना कहीं उसको फूल मिल जाता है, और जंगल में, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में। पर जैसे शहरी विस्तार की हम बात कर रहे हैं तो उसके पास लैंड नहीं है, पर जो जिनके पास मतलब विंडोज है उसके यहाँ छोटे मोटे बीज लगा के उसमें जैसे तुलसी है, कड़ी पत्ता है, और दूसरे एक एक दो मतलब चिली, टमाटर और ऐसे कुछ पौधे लगा सकते हैं ताकि अगल बगल में जो कहीं मधुमक्खी ने छत्ता बनाया है वो वहां से नेक्टर और पोलन कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हर एक लोगों का मतलब जैसे सिटी एरिया में भी उसको थोड़ा ग्रीनरी तो मतलब हर एक करते हैं, तो जैसे एक छोटा मोटा विंडो रहेगा रहेगा उसके अगल बगल में एक दो पॉट ऐसे लगा के इसमें कर सकते हैं। तो काफी बार आप पूरे शहरी विस्तार में तो पूरा मतलब बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिखता है, कुछ हरा नहीं दिखता है, तो मधुमक्खी बेचारी उधर रहेगी तो वो तो भूखे की मर जाती होगी। तो ये भी थोड़ा बहुत हम उसको मदद रूप हो, जैसे अभी चिटिया के लिए बाहर दाने रखते हैं, उसको पानी रखते हैं, ऐसे भी हमारे विंडोज के अगल बगल में एक दो ऐसे पौधे लगा दे तो उसको आराम से नेक्टर और पोलन मिल सकता है। जी,
थैंक यू मदिलाल भाई, आपका इतने साल का एक्सपीरियंस और आपका नॉलेज शेयर करने के लिए आज, और आपने बहुत ही अच्छा मैसेज सबको दिया है आज बी कॉन्जर्वेशन को लेके। थैंक यू, हैंडिंग ओवर टू ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू सो मच मानसी एंड मनीलाल भाई फॉर फैसिलिटेटिंग दिस होल वेबिनार। वी विल ओपन द क्वेश्चन और द स्पेस टू द ऑडियंस। इफ दे हैव एनी क्वेश्चंस दे कैन पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, और इफ एनीवन वुड जस्ट वांट टू रेज देयर हैंड थ्रू दैट रिएक्शन एंड आस्क एनी क्वेश्चन दैट दे माइट हैव फॉर मनीलाल भाई। Yes, Miss Ashu Nair, you can unmute yourself if you like. Yeah, so I just wanted to know, I have a balcony which is quite large, that's around 300 square. So except vegetables, special flowers, because हमारे एरिया में दिखते हैं हमको, हम पानी रखते हैं एक बार, but we don't plant. Sorry, you're breaking out. If you like, could you please just drop in a now? Can you hear me? Now can you hear me? Now yes, can I be okay. heard? Yeah. Yes. So the thing is that I have a 300 square feet balcony and I have a lot of plants. We have bees in our vicinity which we keep water for, but they don't come to my garden as much. So is there anything specific I should plant? And can I keep a bee box in this small area? मानसी, वुड यू वांट टू एड्रेस दैट? और मनीहार भाई, मनीहार भाई ये पूछ रहे हैं कि इनके पास एक बड़ा बालकनी है और मधुमक्खियां दिखती हैं, पर वो इतने मेरे गार्डन में नहीं बालकनी। आते। मैं म्यूट था, थोड़ा फिर से बताओगे? हाँ, तो ऐसा है कि मेरे पास ना बहुत बड़ा बालकनी है, सामने पेड़ों पे मधुमक्खी के छत्ते दिखते हैं, बट वो हमारे गार्डन में नहीं आते हैं बालकनी में। तो कोई स्पेशल फ्लावर्स या ऐसा कुछ लगाए क्या जिससे वो हमारे गार्डन में भी आए? ओके मैम, पहले तो आप ये तुलसी के ये लगाओ, हाँ, तुलसी के मतलब पौधे लगाओ। दूसरा, ओके, हाँ, ये ग्रीन टी जो होती है, ग्रीन टी, इसके ऊपर मतलब ये नहीं आएगा, फ्लावर्स नहीं आएगा, पर उसका स्मेल बहुत बढ़िया होता है, तो उससे हाँ, भी वो अट्रैक्ट होती अच्छा, तो ये मतलब है। छोटा मोटा, क्योंकि अभी क्या है कि थोड़ा सा फैंसी झाड़ है तो मुझे लगता है उसकी वजह से वो आते नहीं है हमारे इधर। ओके हाँ, और और दूसरा एक एक मैं, और चीज। हाँ सॉरी, हाँ बोलिए। हाँ, एक ये कि आप येलो कलर के फूल आते होंगे ना, फल, हाँ, ये भी आप लगा सकते हैं कि येलो कलर के जो फूल है वो बीज को ज्यादा मतलब अट्रैक्ट अट्रैक्ट। करते हैं। ओके, और एक और यस, चीज जस्ट पूछना था, तो वन मोर थिंग आई वांटेड टू नो, सो बिकॉज आई हैव अ लार्ज बालकनी, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू कीप अ स्मॉल बी बॉक्स? ये पूछ रही हैं कि उनके पास बालकनी है तो वो मधुमक्खी का बॉक्स रख सकती हैं, छोटा स्टिंगलेस बीज या कुछ वैसे। ये कितना हाइट पे है? अच्छा, फर्स्ट फ्लोर है और 300 स्क्वायर फीट का बालकनी है। 300 फीट। और अगल बगल में जो ट्रीज है हाँ वो भी मतलब उस लेवल पे आते होंगे? हाँ बराबर, एकदम उस पे आता है, और बहुत सारा वो येलो कैनरी और गुलमोहर ये सब है साइड में। हाँ मैम, एक्चुअली वो सेरेना ना तो हाइट पे रहती है, बट ट्राइगोना बहुत हाइट पे होगा ना, तो इसके लेवल के ऊपर मतलब फूल मिलना चाहिए ताकि वो नेक्टर पोलन लेके आ सके। हाँ, अच्छा वैसे ठीक है, मतलब ओके, बड़े थैंक यू सो बड़े मच। पेड़ होंगे, हाँ इसके लेवल पे होंगे तो वो आराम से नेक्टर पोलन ला सकता है, पर जैसे आपका बहुत हाइट पे हो और नेक्टर और पोलन के सोर्सेस नीचे होंगे तो उसको थोड़ा मतलब लोड लेके जाने में उसको दिक्कत होता है। ऊपर से नीचे आराम से लेके आ सकता है, पर नीचे से ऊपर लेके जाने में, पर ऐसे मतलब लेवल पे आएगा ना तो वो हो सकता है। बाकी सेरेना के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, सेरेना करेगा आराम से।
जस्ट टू ऐड व्हाट मिलाल भाई सेड, सो आपने बताया आपके बालकनी में देयर इज अ फैंसी ट्री, बीज डू नॉट वर्क ऑन ऑर्नामेंटल ट्री, सो ऑन फ्लावर्स, ऑर्नामेंटल फ्लावर्स दे ओनली वर्क ऑन नॉन प्रेग्नेंट फ्लावर्स. तो लाइक मनीला भाई सेड तुलसी इज बेस्ट सजेशन, करी पत्ता यू कैन ऐड. So I want to actually do that because it's a very big and I have lots of bees in the vicinity. हमको छत्ते दिखते हैं पेड़ों पे regularly. Okay. Yeah. So thank you so much for the guidance. हाँ मैम, उसमें ना एक ये भी हो सकता है कि आपका जो छत्ता दिख रहा है पर अगल बगल में नेक्टर और पोलन के सोस्टिस वाले ज्यादा फूल होंगे तो वो वहां पे फोकस करेगा, क्योंकि एक ही बार जाएगा और कम जगह में से ज्यादा उसको क्वांटिटी मिल जाएगा नेक्टर और पोलन. पर जब असत होती है ना कि उसको पोलन और नेक्टर का मतलब कम मिल रहा है तो वो फिर एक बार एक, एक दो बार आएगा ना, फिर उसको उसके ऊपर वो बार बार आएगा. ओके, समझ गए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you so much. Is there anyone else who would like to ask any questions so then we can wrap it up? We have one last question. Anyone in the audience? Okay. Thank you so much once again, Mansi and Manilal Bhai, for facilitating this. I hope we were able to bring forward the awareness for pollination and pollinators like bees this World Bee Day. In other announcements, we also have Miss Sujana Krishnamurthy, our executive director, going on Red FM as of tomorrow. The time is not confirmed yet, but you should keep an eye out on our stories. We shall be putting that up there. And we also have a event in Bhopal that is taking place on 20th World Bee Day, as well as in Maharashtra, Talasseri. Again, keep an eye out on our social media, on our YouTube, as well as our Instagram. Thank you everyone for joining in, and we hope to see you soon. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you.